सर क्या कहेंगे सर, फिल्म का मुहूर्त एक अनोखा कन्यादान का मुहूर्त के और दशहरा के दिन था, तो क्या कहना चाहेंगे, एक्साइटेड है अपनी पिक्चर को लेकर डायरेक्ट कर रहे किस तरह की स्टोरी। ये फिल्म एक अनोखा कन्यादान, हमेशा हम देखते हैं बाप एक का कन्यादान करता है, तो इस फिल्म में हम लोग कुछ ऐसा कन्यादान करें जो एकदम अनोखा है। और ये स्टोरी हम अभी रिवील नहीं करना चाहेंगे इसलिए, बिकॉज अभी बस दिवाली के आसपास शूट करने जा रहे हैं। हमारी एक्ट्रेस है रेशमा राय, जो इस फिल्म में बेहतरीन रोल प्ले कर रही है, और पहले भी मैंने इनका काम कर चुके हैं, देवी कुमार राजस्थान की फिल्म में आज, और भी इस फिल्म में भी इनका एक बहुत बड़ा मौका दिया उन्होंने प्रूव कर दिया। और अनोखा कन्यादान एक ड्रामेटिक सब्जेक्ट है, सेंसेशनल सब्जेक्ट है, जो आज तक कैसे देखा नहीं है। एक फिल्म आने के बाद एक लेडीज़ के लिए एक जीने की राह है, और हमारे कई सारे कलाकार हैं जो अफजल गौरी साहब हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है जो उस फिल्म को लीड कर रहे हैं, और उन्होंने विश्वास करके मेरे साथ ये फिल्म सर पे एक अच्छा प्लान किया, हमें एक साथ में जोड़ा हुआ है। और बहुत ही मुश्किल से मतलब उन्होंने जैसी स्टोरी सुनी तो बहुत सारे खुश हो गए, और उन्हें लगा कि ठीक है हम ये मदद के लिए प्लान करते हैं, और तुरंत वो हमने प्लान किया मदद का, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट। बिकॉज सब्जेक्ट एक राजस्थान, एक राजस्थान में एक नई नई सोच, एक नया रास्ता, ये यही अनोखा, इसलिए इसका नाम रखा है एक अनोखा कन्यादान। सर लोकेशन भी राजस्थान की, राजस्थान का लुक लग रहा है तो हाँ जी, राजस्थान की फिल्म है, राजस्थान का लोकेशन है, और राजस्थान में मैंने कई सारी फिल्में की है जिसके दौरान मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर फिल्मों में अभी वो सब नहीं होता जो हमें करना चाहिए नयापन, तो मैंने इसके बदले राजा राजस्थान ही कराई है, क्योंकि वहाँ पर अभी तीसरी मेरी फिल्म एक अनोखा कन्यादान, इसके बाद लगातार मैं नाइन से फिल्म कर रहा हूँ, सोचा है कि साल में कम से कम 4 फिल्में राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान को एक नया लुक देना है, राजस्थान के लिए कुछ नया सोच लेके हम आए हैं, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसे मराठी है, हिंदी है, जो आज चल रही है यहाँ पर, राजस्थानी नहीं चल रही। जी मेरा ये सवाल था अगला कि क्या कारण है ऐसे राजस्थानी चल नहीं रही है, मेरा सवाल ये था अगला जैसे क्या कारण है लोग इसको मतलब बहुत कम राजस्थानी। एक्चुअली मैं राजस्थानी फिल्मों से कब जुड़ा, बिकॉज मैं कोरियोग्राफर रहा था, और राजस्थानी फिल्म से मेरी मुलाकात हुई एक फिल्म के दौरान जब मैं शूटिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैंने राजस्थान में लगातार 7-8 ईयर्स अवार्ड जीते, जब देखा मैंने कि मेरे मुझे ही खाली अवार्ड मिल रहे पूरे फिल्म को लेकर, किसी को नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक राजस्थानी अच्छी फिल्म डायरेक्ट की जाए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक राजस्थानी फिल्म डायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सेंसेशनल सब्जेक्ट्स को चुना, जैसे देवी एक माँ एक सेंसेशनल फिल्म है, राजा राजस्थानी अगेन एक सेंसेशनल फिल्म है, अनोखा एक कन्यादान अगेन एक सेंसेशनल फिल्म है, वहाँ की महिलाएं आज भी फिल्में देखना चाहती हैं, बट अच्छी स्टोरी अच्छी मेकिंग आएगी तो लोग ज़रूर फिल्म देखेंगे, और हमारी यही कोशिश है कि हम महिलाओं को और वहाँ के लोगों को थिएटर पर लाएँ हमारे फिल्म के जरिए, और एक नयापन फिल्मों को देखें, दैट्स द रीज़न वी आर मेकिंग, इसलिए हम राजस्थानी फिल्में कर रहे हैं। कितने सॉन्ग है फिल्म में सर? फिल्म में 6 गाने हैं टोटल, उसमें रोमांटिक जिसमें रोमांटिक गाने हैं 2, एक गज़ल है जो पहली बार राजस्थानी फिल्म में राजस्थानी गज़ल एक आएगी, और उसके अलावा एक आइटम नंबर है, और रोमांटिक गाने हैं जैसे फिल्म में बनते हैं, एक राजस्थानी फ्लोक डाला हुआ है, राजस्थान के टच को लेके ही। कब तक फ्लोर पर क्या प्लान्स हैं? ये हम दिवाली के बाद प्लान कर रहे हैं राजस्थान में।